अभी तक आपने देखा कि कैसे लाला श्रीनिवास दास का मुख्य पात्र चरित्र लाला मदन मोहन पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गया। उसने अपने चापलूस और कामचोर दोस्तों के चक्कर में पड़कर अपनी पाई पाई लुटाकर अपने लिए जेल के रास्ते खोल दिए। परिवार बिखर गया, पत्नी रूठकर मायके चली गई और बच्चे बर्बाद हो गए। कर्जदारों ने उन पर मुकदमे कर दिए और जेल के रास्ते खुल गए। आखिरकार उनको जेल हो गई। लेकिन इस बीच अय्याशी और महक के साथ रहने वाले लाला मदन मोहन का चरित्र जब हमने गढ़ा और उसको उपन्यास से बाहर लाकर पर्दे पर साकार करने की कोशिशें हुई, तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी उनमें एक पात्र ऐसा भी था जो एक कबूतर था। लेकिन यह कबूतर हमें उस हवेली में ही मिल गया और जब इसकी कीमत जानने के लिए हमने हवेली के मालिकों से बात की तो हम हैरान रह गए। उसे ईरान से लाया गया था और उसकी कीमत एक कबूतर की, सिर्फ एक कबूतर की कीमत 1,00,000 रुपये थी। 2010 में 1,00,000 रुपये का कबूतर उड़ाना और उसे रखना एक महंगा शौक था। लेकिन चूँकि उसकी हमें ज़रूरत थी और वो हमें इस धारावाहिक में फ्री में ही मिल गया। संजय सिंह लौट आए थे, उनके सहायक निर्देशक राम चोयल हमारे साथ थे, श्रीकांत सक्सेना सेट पर हुआ करते थे, दूरदर्शन की पूरी टीम हमारे साथ बहुत मेहनत कर रही थी और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ये धारावाहिक अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। लेकिन इसमें एक पात्र को शामिल करना मेरे लिए अभी बाकी रह गया था। जैसे मैंने ओम प्रकाश कात्याल को इसमें शामिल किया, ऐसे ही सिनेमा और फिल्म समारोहों की जानकारी रखने वाले हमारे एक दोस्त रमन चावला भी इसमें शामिल हो गए। उनका एक पात्र मुस्लिम था, लेकिन जिस तरीके से रमन चावला ने वह भूमिका निभाई वह यादगार बन गई। मैं रामकिशोर पारचा नई दिल्ली से दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़ के लिए, आप देखते रहिए डिफ न्यूज़। पेल्टी, अब आपके बस का रोग नहीं है। यो तो आपको हर काम में दोष निकालने की बुरी आदत है वकील साहब। ये बात आपने दुरुस्त कही। म्युनिसिपैलिटी में क्या आप लाला जी को इनके मतलब के लिए भेज रहे हैं? ना, हम अपने मतलब के लिए भेज रहे हैं। मैं चला लाला जी। अरे क्यों जा रहे हो भाई? अरे लाला जी, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम इनकी बातों को समझ सके। लाला जी, ब्रिज किशोर आपके टुकड़े खा खा कर बड़े हुए हैं, लगता है वे अपने पुराने दिन भूल गए हैं। लाला जी सीधे साधे आदमी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कहते चले जाएं। आपकी सारी मंशाओं के बारे में भी बताऊं क्या लाला जी को? अगर आप हमें छोड़ने का मन बना ही चुके हैं तो इतना वाद विवाद क्यों? हमारी किस्मत में जो होगा हम भुगतेंगे, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। कहते हैं अफवाहों के हाथ पैर नहीं होते, अगर होते तो शायद अफवाहें इतनी तेजी से नहीं फैलती। सच ही कहा है, किसी आदमी को बर्बाद करना हो तो उसके बारे में अफवाह फैला दीजिए, फिर देखिए कैसे मिनटों में बातों का बतंगड़ बन जाता है। और जब तक मामले को आप समझेंगे तब तक इतनी अफवाह फैल चुकी होगी कि उसे संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जिस तरह से नदी के मेड़ को काटने के बाद उसे बांधना मुश्किल हो जाता है, ठीक उसी तरह अफवाहों की दुनिया भी है। हरिकिशोर लाला मदन मोहन से जीत तो नहीं सकता था, लिहाजा उसने भी अफवाहों का सहारा लिया और उसने लाला के खिलाफ ऐसी अफवाह फैलाई कि देखते ही देखते लाला मदन मोहन की हवेली की चूल्हे हिल गई। आगा साहब आइए बैठिए, कहिए कहाँ से आ रहे हैं? लाला मदन मोहन ने कुछ सामान मंगाया था, उसे ही पहुंचाने जा रहे थे। तो आपके माल का आधा रुपया तो मिल चुका होगा? हाँ जी, रुपए कहाँ जाते हैं,
तो कमीशन के लालच में मास्टर शंभू दयाल और मुंशी कन्हैयालाल खुद ही पहुंचा जाएंगे। आगा साहब, अब वो दिन लग गए, अब आपके रुपये नहीं मिलने वाले हैं। आपको शायद पता नहीं कि लाला मदन मोहन के पास खुद ही लाखों हजारों का कर्ज हो गया है और कर्जदार रोज उनके दरबार के चक्कर लगा रहे हैं। कह रहे हैं आप? जी हाँ, क्योंकि उनके पास रुपये तो है नहीं, और मैं भी अगर आज मेरा रुपया वापस नहीं मिला तो मैं उसके मुकदमा करने वाला हूँ। ऐसी बात है, मैं भी खुद ही हवेली जाकर देख लेता हूँ। लाला जी, एक बुरी खबर है, आगा हसन के वकील ने नोटिस भेजा है। लिखा है, आपको सूचित किया जाता है कि आगा हसन जान का उधार 24 घंटे के भीतर चुकाकर अपना सामान मंगवा ले, नहीं तो आपके घर की कुर्की करके उधारी के रुपए की रकम वसूल ली जाएगी। लाला जी, हरकिशोर ने भी आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है। मालिक बाहर हरकिशोर कुछ कर्जदार के साथ आए हुए हैं। मालिक, अब वो बहुत शोर मचा रहे हैं। मालिक, दिल्ली छोड़ने की तैयारी हो रही है लाला जी? अरे नहीं नहीं, हम लोग तो शहर को जा रहे हैं, पर आप लोग जाइए लाला जी, जाइए, लेकिन पहले हमारा कर्जा वापस कर दीजिए। वैसे तो हम आपको कभी नहीं जाने देंगे। अच्छी तरकीब निकाली है, ना मिलेंगे और ना रुपए देने पड़ेंगे। अगर रुपये ऐसे नहीं मिलेंगे तो मुकदमा करके भी हमें रुपये निकालना आता है, समझे? ऐसे नहीं चलेगा। लाला, आप अपने घर में होंगे, हमारा कर्जा चुकाए बगैर आप हवेली से कदम भी बाहर नहीं निकाल पाओगे। अरे लाला जी ने तो कल ही अपने बच्चों को मेहरौली भेज दिया है, और मैंने देखा है कि सेठाइन भी बग्घी में अपने सामान ले जा रही है। अच्छा, क्या कह रहे हो? तो लाला जी भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। देखो, बक्से बंधे हैं, मेरी तो जन्म भर की कमाई फंसी है। चुप करो, शांत हो जाओ साथ। अरे क्या हो गया ऐसा कि सारे के सारे लाला जी के साथ पे चढ़ाए हो? भाई तुम लोग तो बेवजह घबरा रहे हो, मेरे पास इतनी जायदाद है कि तुम सबका पैसा सूद समेत लौटा सकता हो। लाला जी, आपके लिए समन है, और कुर्की के आदेश हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? आखिर हमने किसका नुकसान किया है?
मुझे तो लग ही रहा था लाला ब्रजकिशोर कुछ ना कुछ बखेड़ा जरूर खड़ा करेगा। लेकिन मुझे सिर्फ ब्रजकिशोर की नहीं, हर किशोर की करामात नजर आती है। किशोर, लाला जी को जेल हो गई तो हम कहीं के लिए रहेंगे? लाला जी की जमानत हो गई। मैं समझता था कि ये सारा बखेड़ा ब्रजकिशोर का किया धरा था, लेकिन ये सारा बखेड़ा तो हरकिशोर का किया धरा है। हमें ब्रजकिशोर के यहां चलना चाहिए और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगनी चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो, ब्रजकिशोर से क्षमा? हुजूर, हम उनसे क्षमा मांगने के लिए थोड़े कह रहे हैं, हम तो उनसे घर जाने के लिए कह रहे हैं। कल तक तो तुम ये कह रहे थे कि वो हमारे फायदे के बारे में सोच भी नहीं सकता, और आज तुम उसी की तरफदारी कर रहे हो। लाला जी, हम जिन मुसीबत में फंसे हैं ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ ब्रजकिशोर ही हमें निकाल सकते हैं। हमें क्या गरज पड़ी है उसके जाने की, उसको यहीं बुला लेते हैं। लाला जी, वैसे भी किसी के यहाँ आने जाने में किसी की प्रतिष्ठा कम नहीं होती। नहीं, आप कहें तो ब्रजकिशोर जी को यहाँ बुला लेते हैं। मुझे लगता है कि आपके वास्ते वो यहां जरूर आएंगे। ठीक है, यही सही है। ठीक है। लाला मदन मोहन की तरह मैं भी अब हारने लगा हूं, लेकिन भला मैं कैसे हार सकता हूं। कहते हैं मुसीबत में ही अपनों की पहचान होती है, और इस मुसीबत के समय वकील ब्रजकिशोर से बड़ा सहारा लाला मदन मोहन के लिए और कौन हो सकता है। ऐसे वक्त में वही एक हैं जो लाला मदन मोहन को बचा सकते हैं, लेकिन जिस तरह लाला मदन मोहन ने उन्हें अपने दोस्तों के सामने मानित किया था, मुझे नहीं लगता वकील ब्रजकिशोर उनकी कोई मदद करेंगे। लेकिन मुझे अपने इस चरित्र पर पूरा भरोसा है, लाला जी के आखिर वे सच्चे दोस्त हैं। ब्रजकिशोर के ऊपर लाला जी के पिता के बहुत सारे एहसान जो हैं, ब्रजकिशोर एहसान फरामोश नहीं हो सकते। अगर ऐसा ही होता तो लोगों का अपने दोस्तों से विश्वास ही उठ जाता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिर सच्चे दोस्त की पहचान ऐसे ही वक्त में होती है। आइए आइए वकील साहब। वकील साहब आइए, बधाइए, बैठिए। मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ये क्या है लाला जी? ये मेरे प्रायश्चित का मोल है। इसे देखकर तो आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लज्जित करना होता तो लाला जी आपको यहाँ क्यों बुलाते? मैं तो मजबूर हूँ, इसीलिए मदद के लिए आपको बुलाया है। मैं किसी को क्या लज्जित करूंगा? आप परेशान ना हो और अपने कागज तैयार करवाते जाएं, और कचहरी की कार्रवाई के लिए मुझे वकील बनाए जाने का मुख्तारनामा लिखते जाएं। बाकी मैं देख लूंगा। अगर ऐसा ही होता तो लोगों का अपने दोस्तों से विश्वास ही उठ जाता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिर सच्चे दोस्त की पहचान ऐसे ही वक्त में होती है। आइए आइए वकील साहब। वकील साहब आइए, बधाइए, बैठिए। मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ये क्या है लाला जी?
ये मेरे प्रायश्चित का मोल है। इससे देखकर तो आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लज्जित करना होता तो लाला जी आपको यहाँ क्यों बुलाते? मैं तो मजबूर हूँ, इसीलिए मदद के लिए आपको बुलाया है। मैं किसी को क्या लज्जित करूंगा? आप परेशान ना हो और अपने कागज तैयार करवाते जाएं और कचहरी की कार्रवाई के लिए मुझे वकील बनाए जाने का मुख्तारनामा लिखते जाएं। बाकी मैं देख लूंगा। लाइए, मैं दस्तखत कर देता हूं। लीजिए। अच्छा लगा। शंभुदयाल, तुमने ब्रिजकिशोर से लाला जी को मेल करवाकर कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया है। देखो, हमारे पास इसके अलावा अपने को बचाने का दूसरा रास्ता था। हमारे कमीशन लेने का, भेद खोलने का समय आ गया। हमारी सारी बातें ब्रिजकिशोर को मालूम है, और अगर उसने राज खोल दिया तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें इतना विश्वास कैसे है? मैंने उनसे हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही ब्राइट के मामले में बातचीत कर रहे थे। अच्छा, कहीं से कोई रुपया आया है क्या? सब चिट्ठियों का जवाब आ गया? जवाब तो आ गया, लेकिन लाला जी रुपया देने से सबने मना कर दिया। सभी ने? जी। ठीक कहा किसी ने, अंधेरे में सारा भी साथ छोड़ जाता है। आइए आइए वकील साहब। अरे भाई, कौन किसका साथ छोड़ जाता है? कोई नहीं, बस यूं ही बात कर रहा था। अच्छा शंभुदयाल जी, जी ये बताइए कि लाला जी का किससे कितना लेना देना है? जी मैं भी बताता हूं। हाँ, 10-12 हजार जवाहरात की बिक्री के लेने हैं, 30 हजार बाजार वालों से लेने हैं, नौकरों पर 10-12 हजार बाकी है, और हाँ 5 हजार अलीपुर रोड के ठेके के बदले सरकार से मिलने हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत मिलाकर 25 हजार और लाला जी के लोगों पर उधार होंगे बस। अच्छा, और चुकाने कितने? चुकाने ब्राइट के 50 हजार, आगा हसन के 25 हजार, निहाल चंद्र के 15 हजार, और छोटे मोटे लोगों के 20 हजार, बस इतना ही चुकाना है। ठीक है, और सोना चांदी कितना होगा? हाँ, यही वही 5-6 हजार के। हाँ ठीक है लाला जी, मैं चलता हूँ, कल कचहरी में मिलेंगे। अच्छी बात। अच्छा जी, अरे कामनी बहन, आप तो बताकर भी नहीं गई। भैया, मेरे पास बस अब यही बचा है, आप किसी तरह से लाला जी को बचा लें। समझदार होकर ना समझ क्यों बनती हो बहन? इतने गहनों से उनका छुड़ाना मुनासिब ना होगा। ये लीजिए, और जाकर रुपयों का इंतजाम कीजिए, नहीं तो बच्चे और भाई साहब का क्या होगा? ठीक कहती हो बहन,
तुम अगर यही चाहती हो तो मैं कुछ करता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, शायद काम आ जाए। आप घर जाएं, महीनों से घर सूना पड़ा है। समय को बदलते देर नहीं लगती। लाला मदन मोहन की एक ही आवाज पर नौकरों की पूरी फौज खड़ी हो जाती थी। उनके जूतों की आवाज से रास्ते खाली हो जाते। जिसे मखमल के गद्दे पर भी नींद नहीं आती थी, जो खुले आकाश में उड़ता था, आज वही लाला मदन मोहन काल कोठरी में बंद है। सोने के लिए बस एक तख्त और बिछाने के लिए दरी, ओढ़ने के लिए एक चद्दर ही अब उसके पास है। ऐसे में बच्चे, पत्नी और दोस्त का सामना करना किसी के लिए कितना मुश्किल होगा, इसे सिर्फ लाला मदन मोहन ही महसूस कर सकते थे। जिस तरह शरीर के हर हिस्से पर घाव का दर्द एक जैसा नहीं होता, ठीक उसी तरह से हर आदमी के दुख का स्तर भी अलग अलग होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो लोग धैर्य रखते हैं, वो मुसीबतों के जाल से निकल ही आते हैं। लाला मदन मोहन का भी अब ऐसे ही हालात से सामना होने वाला है। उनके सामने पत्नी और बच्चे हैं, पर वह उनसे गले मिलकर रो भी नहीं सकते, ना ही उनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं। हे ईश्वर, ऐसे दिन किसी को मत दिखाना। लेकिन मैं जानता हूँ, होनी को कौन टाल सकता है, वह तो हर हाल में होकर ही रहती है। लाला मदन मोहन, कोई तुमसे मिलने आए हैं। चिंता न करें, बचपन में बहुत साथ खेले हैं, यूं साथ ना छोड़ूंगा। हम बहुत जल्दी संकट से बाहर निकल आएंगे। चलिए चलिए, मिलने का समय समाप्त हो गया। मालकिन, 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 बाहर लाला पिशोरी मल का आदमी अभी भी खड़ा है, उसे क्या जवाब दूं? बाबूलाल, ये फूलदान उसे वापस कर दो, हमें नहीं खरीदना। जी बहू रानी।
चलता हूं लाला जी, प्रियंवदा को भी लेने जाना है, घर कब से सोना पड़ा है। अच्छा लाला जी, किसी एक के लिए ये कहानी एक कहानी भर हो सकती है तो किसी के लिए एक घटना, लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आप इसे जिस रूप में देखना चाहें देखें, समझें, और मैं यह भी चाहूँगा कि ऐसी घटना और किसी के साथ कभी ना घटे। मेरी गुजारिश है कि अपने जीवन में ऐसा कुछ ना करें जिससे आप और आपके परिवार को ऐसे हालात से दो चार होना पड़े जैसे लाला मदन मोहन के साथ हुआ। शरीर के घाव भले ही भर जाते हों, पर उसके निशान हमारे शरीर में हमेशा ही मौजूद रहते हैं। जब भी हमारा ध्यान इन घावों की ओर जाएगा, ये ताजा हो जाएंगे। इनका दर्द और छटपटाहट हमें चैन नहीं लेने देगा। यकीन मानिए, समय से बड़ा कोई नहीं, समय ही हमारी परीक्षा लेता है, और समय से बड़ा कुछ भी नहीं। समय ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है, और उसकी परीक्षा में जो सफल होता है, जो जीत जाता है, वही परीक्षा गुरु कहलाता है।